नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल री एजुकेशन IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक इस चैनल के माध्यम से आप सभी को विदेश सर के द्वारा संविधान एवं राजव्यवस्था की कक्षाएं मिल रही थीं, लेकिन आगामी टेट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि टेट परीक्षा की प्रैक्टिस के रूप में सबसे पहले हम विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हुए हैं उनको व्याख्यापूर्वक हल कराएंगे, ठीक है। और इस कड़ी में आज हम टेट 2011 में जो EVS का प्रश्न पत्र था उसके शुरू के 15 प्रश्नों को हम हल करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है हवा में उपस्थित ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, मतलब हवा में हमारे ऑक्सीजन कितना प्रतिशत मौजूद है। इसका सही उत्तर है हमारा 21%। लेकिन दोस्तों, मैंने इसी के साथ कुछ ऑप्शन को मैंने चेंज किया है और हवा में जो दूसरी गैसें हैं उनका सही जो प्रतिशत है उसको लिखा है। इसके अनुसार हवा में 78% हमारा क्या है, नाइट्रोजन। हवा में 78% हमारा क्या उपस्थित है, नाइट्रोजन। और 0.03% हमारा क्या है, CO2। ये CO2 वही गैस है जिसकी अधिकता होने पे क्या होता है, हमारा पूरा वायुमंडल गर्म हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। और 0.93% हमारा क्या है, आर्गन। 0.93% हमारे वायुमंडल में क्या है, आर्गन है, ठीक है। दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है परम तापक्रम पैमाना कौन सा होता है। परम तापक्रम पैमाना वह होता है जिसके नीचे तापमान संभव नहीं है। यह किसके बराबर होता है, 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन के बराबर होता है। यह 0 डिग्री केल्विन -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु -273.15 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं हो सकता, और इसको हम केल्विन में कहते हैं, 0 डिग्री केल्विन। और दूसरी बात यह है कि यह प्रश्न भी पूछा जाता है किस पैमाने में तापक्रम निगेटिव में नहीं जाता है, वह पैमाना क्या होता है आपका, केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाने में हम कभी भी तापमान को माइनस में नहीं मापते, क्योंकि यही सबसे निम्नतम तापमान होता है और केल्विन को ही क्या कहता है, परम तापक्रम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा संपादित होता है। पहला ऑप्शन है सभी पौधों द्वारा, ठीक है, सभी पौधों द्वारा। कहने का मतलब है कि जो पौधे जीवित हैं या जो पौधे मर चुके हैं, दोनों के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है पौधों एवं जंतुओं के द्वारा, मतलब पौधे और जंतु। पौधे तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं लेकिन जंतु हमारे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। तीसरा, सभी हरे पौधों द्वारा। यहाँ तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, सही है, क्योंकि सभी पौधों में वैसे पौधे जो सूख चुके हैं और जो हरे हैं दोनों आ जाते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण सूखे पौधों में नहीं होता। और तीसरा ऑप्शन हमारा सभी हरे पौधे सही सही हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। कहने का मतलब ध्वनि प्रदूषण हम किस में मापते हैं, तो इसका सही उत्तर है हमारा डेसिबल। डेसिबल क्या है, एक हमारी यूनिट है BEL, बेल। बेल का जो दसवां भाग होता है, मतलब बेल का जो दसवां भाग होता है वही डेसिबल होता है, क्योंकि बेल जो होती है एक बड़ी इकाई होती है, इसको छोटे पैमाने पर मापने के लिए हम डेसिबल का यूज करते हैं, ठीक है, डेसिबल का यूज करते हैं। और सेल्सियस में हम तापमान मापते हैं, और एम्पियर में हम क्या मापते हैं, धारा। और मोल क्या होती है, प्रति ग्राम पदार्थ की मात्रा जो होती है, प्रति ग्राम पदार्थ की मात्रा जो होती है उसे हम मोल में मापते हैं। और यहाँ पे ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापी जाती है किसमें, डेसिबल। और कहीं अगर बेल दिया है तो हम उसको भी सही मानेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, मतलब कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। पहला ऑप्शन है कागज, दूसरा है कपड़ा, तीसरा है धातु, चौथा है प्लास्टिक। कागज और कपड़ा हम देखें तो ये हम किससे प्राप्त करते हैं, लकड़ी से, और लकड़ी क्या है हमारा, ये डिकम्पोज हो जाती है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि जो चीजें डिकम्पोज हो जाती है उससे हमें नुकसान नहीं होता। धातु जो है ये पृथ्वी में पहले से पाई जाती है, हम धातु बनाते नहीं है, बस इतना करते हैं कि उसको हम दूसरी जो पूरा अयस्क होता है उससे निकालते हैं।
तो धातु जितनी मात्रा में पृथ्वी में है उतनी मात्रा में बनी रहती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। लेकिन प्लास्टिक क्या होता है कि हम इसे लेबोरेटरी में मतलब प्रयोगशाला में बनाते हैं और ये विघटित नहीं होता, ठीक है, ये विघटित नहीं होता, जहाँ पड़ा रहता है वैसे पड़ा रहता है, इसलिए प्लास्टिक क्या होता है पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। ये चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन मतलब वर्ल्ड का जो तापमान है कौन सबसे ज्यादा गर्म करता है, वर्ल्ड के ताप पूरे विश्व के तापमान को गर्म करने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो क्या जिम्मेदार है। तो पहला लिखा है मृदा प्रदूषण, क्योंकि मृदा प्रदूषण बढ़ने से क्या ग्लोबल वार्मिंग होगी, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। जल का प्रदूषण मतलब जल अगर खराब है तो क्या वायु का तापमान बढ़ेगा, नहीं, ये भी गलत है। लेकिन अगर वायु जो है उसमें विभिन्न गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या जल वाष्प या मेथेन, ये सभी गैसें अगर वायुमंडल में बढ़ रही हैं तो ये गैसें क्या होती हैं, बाहर से आने वाली ऊष्मा को ये अवशोषित कर लेती हैं, और जो ऊष्मा पृथ्वी से बाहर जा रही हो तो उसको क्या करते हैं, बाहर नहीं जाने देती, और पृथ्वी के पूर्ण तापमान को क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। इसलिए वायु प्रदूषण क्या होता है जो विश्व उष्मायन के लिए जिम्मेदार होती है, और इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा भी हमने बताई थी 0.03% हमारे वायुमंडल में उपस्थित है, और जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे विश्व उष्मायन का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश क्षेत्रफल को घेरे हुए है जो लगभग कितना है, यहाँ लगभग की बात की गई है, अगर हम एक्चुअल देखते हैं तो 71% जो है पानी है और 29% हमारा क्या है लैंड जमीन है, लेकिन लगभग में अगर हम देखें तो 1/2 क्या होता हमारा 50%, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। 2/3% क्या होता है, 2/3 भाग क्या होता है, ये होता है 66.66, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है क्योंकि 71 से कम है। 3/4 का मतलब होता है 75%, ये ऑप्शन हमारे जो पानी का प्रतिशत है उसके आसपास है, और इसी ऑप्शन को हम सही मानते हैं, एनसीईआरटी ने 3/4 भाग जल बताया, ठीक है। तो इस प्रकार तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है कि महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश क्षेत्रफल को घेरे हुए जो लगभग कितना है 3/4 भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेगमाइट में निक्षेपण होता है, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेगमाइट में किस पदार्थ का जमाव होता है, ठीक है, निक्षेपण होता है, यहाँ होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। स्टेलेक्टाइट क्या होते हैं, जैसे एक कोई गुफा है, गुफा के ऊपर से स्टेलेक्टाइट क्या होते हैं लटके होते हैं, और स्टेलेगमाइट क्या होते हैं इसी के नीचे लगे होते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं ये बढ़ते जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का इसमें जमाव होता जाता है, धीरे धीरे ये मिल जाते हैं और ये पिलर का रूप ले लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर स्टेलेक्टाइट के नीचे स्टेलेगमाइट हो, कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्टेलेगमाइट जो होता है वो अपने आप वृद्धि करता जाता है और ऊपर तली से लग के अपने आप एक पिलर बना लेता है, ठीक है। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट क्या होते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट इसमें जमाव होता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। पहले ऑप्शन है धुआं एवं कुहासा, जी हाँ धुआं और कुहासा क्या है, वायु प्रदूषण के एक उदाहरण है। दूसरा, वाहनों से निकलने वाली गैसें क्या वाहनों से निकलने वाली गैसें वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, हाँ ये भी गैसें जिम्मेदार हैं। जलती लकड़ी एवं चारकोल, हाँ जितना लकड़ी जलाएंगे वैसे उतनी ही गैसें निकलेंगी और ये वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होंगी। और अगला ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो हम यहाँ देख रहे हैं हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मारेंगे हम, उपयुक्त सभी, चौथा ऑप्शन, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में है कि भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम .. के प्रयोग को रोकता है, मतलब भारत दूसरे देश में जो नियम बनाए गए किसके प्रयोग को रोका जाता है, इसमें कागज के थैले को नहीं, क्योंकि ये जो थैले होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब ये अपघटित हो जाते हैं तो इनको नहीं रोका जाता। कपड़े के थैले भी अपघटित हो जाते हैं, प्लास्टिक के थैले, जी हाँ प्लास्टिक की जितनी पन्नियाँ होती है थैले होते हैं वो क्या होते हैं, अपघटित नहीं होते, ये हमारे जितने भी सीवेज प्लांट होते हैं या सीवर होते हैं वहाँ जाके फंस जाते हैं जो बाढ़ का कारण बनते हैं, जमीन में दब जाते हैं, सालों तक रहते हैं, कृषि करने में दिक्कत होती है, तो प्लास्टिक के थैले क्या होते हैं इनके उपयोग के लिए
पूरा विश्व क्या करता है, रोक लगाता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही। नायलान के थैले जो होते हैं ये बहुत कम मात्रा में बनती, इनकी जाल बनती है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, प्लास्टिक के थैले सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, पारिस्थितिक तंत्र वहाँ बनता है जहाँ पे दो जीवीय और अजीवीय घटक मिलते हैं और अंतः क्रिया करते हैं। जल क्या है कि एक अजीवीय घटक है, यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र बनेगा केवल जल में नहीं बनेगा। वायु अगर कहीं केवल वायु वायु है तो वहाँ भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, मृदा अगर है तो केवल मृदा में नहीं बनेगा। लेकिन तालाब क्या, तालाब में जल भी है, वायु भी है, मृदा भी है, और वहाँ पे क्या है, जीव जंतु पेड़ पौधे भी हैं, मतलब जीवी और अजीव दोनों घटक हैं, और यहाँ पे क्या होगा, हमारा पारिस्थितिक तंत्र बनेगा। ठीक, तालाब क्या, हमारा एक पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जीवी कारक नहीं है, कौन जीवी कारक नहीं है, मतलब किसमें जान नहीं है, पेड़ पौधों में जान है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। जंतु, जंतु में जान तो होती है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सूक्ष्म जीव, जीव लगा है तो ये इसमें क्या है, इसमें भी जान है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। प्रस्तर, प्रस्तर क्या होता है, पत्थर का तत्सम रूप होता है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जीवी कारक नहीं है। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न 13, अधिकतर पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, अधिकतर पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, जलमंडल में, वायुमंडल में, स्थल मंडल में। ठीक है, अधिकतर पेड़ आप कहाँ देखते हैं, स्थल मंडल में, क्योंकि जलमंडल में मिनिमम पेड़ पाए जाते हैं, वायुमंडल में कुछ कुछ ऐसे पौधे जो हवा में लटकते रहते हैं, लेकिन सभी पौधे नहीं पाए जाते। लेकिन स्थल मंडल में आप क्या देखेंगे, अधिकतर पौधे क्या होते हैं, स्थल मंडल में ही उगते हैं। ठीक है, और प्रकाश मंडल की बात नहीं, यहाँ पे कोई पौधा नहीं पाया जाता। तो अधिकतर पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, स्थल मंडल में। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न है, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। देखिए, मृत जंतुओं की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, यहाँ बात हमारी हो रही है मृत जंतुओं की। पैराफाइट किसपे होते हैं, ये जिंदा जंतुओं पे होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। और दूसरा होता है डीकम्पोजर स्केवेंजर। ठीक है, ओमनीवोरस के पहले काटते, ओमनीवोरस जो होते हैं जो पेड़ पौधे और जंतु दोनों खाते हैं, ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब ऑप्शन फर्स्ट था हमारा स्केवेंजर और डीकम्पोजर में। स्केवेंजर क्या होते हैं, जैसे हमारा तिलचट्टा हो गया, हमारे जो क्या नाम है, गिद्ध हो गए, ये सब क्या है, स्केवेंजर है, मतलब जो मृत जीव जंतु होते हैं उनको खाते हैं। और जो डीकम्पोजर होते हैं वो भी यही काम करते हैं। तो हम इसमें ऑप्शन कौन सा सही मारे, तो जो जो स्केवेंजर होते हैं वे, उनका जीवन निर्वाह मृत जंतुओं के ऊपर ही होता है, वे सबसे पहले मृत जंतुओं को खाते हैं और जो कुछ बचा होता है उसको डीकम्पोजर क्या करते हैं, अपनी जो एसिड या जो कुछ सिक्रीट करते हैं अपने शरीर से, उसके द्वारा उसको सड़ा गला के ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इसमें नॉर्मली फंजाई पाए जाते हैं, लेकिन इसके वंजर में आप देखेंगे बहुत से जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है, इसके वेंजर कहा जाता है, डीकम्पोजर नहीं। ठीक है, डीकम्पोजर में केवल फंजाई आती है, इसके वेंजर में बहुत से जीव जंतु आते हैं। तो यहाँ ऑप्शन इसके वेंजर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीएनजी किसका संक्षिप्त रूप है, इसका सही ऑप्शन है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, इस प्रकार हमारे 15 प्रश्न आज खत्म होते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह सीरीज अच्छी लगे, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगे कि इस सीरीज को आगे बढ़ाया जाए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि कमेंट के द्वारा ही हम जान पाएंगे आपको यह व्याख्या कैसा लग रहा है। और आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।